आज हम हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं औरंगाबाद शहर के साइबर क्राइम विभाग में। साइबर ये नाम एक अपने आप में एक गहराई है। आए दिन हम देखते हैं विविध न्यूज़ चैनल के माध्यम से, विविध न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कि किस तरह से साइबर ठग जो है हमारे देशवासियों को किस तरह से लूट रहे हैं। हमारे शहर में भी हम आए दिन देखते हैं डीमार्ट पे डिस्काउंट चल रहा है, लिंक पर क्लिक करिए और डिस्काउंट जीतिए, इनाम जीतिए, मुफ्त में खरीदी करिए। जियो की लिंक आती है, क्लिक कीजिए, मुफ्त डेटा पाइए। तो क्या राज होते हैं इन सारी लिंक्स के पीछे? आज हमने देखा कि कल शाम से ही औरंगाबाद में एक और जो है लिंक वायरल हो रही है। तो हम औरंगाबाद शहरवासी, हम महाराष्ट्र के नागरिक जो है बिना इसकी जांच पड़ताल किए इस पर कैसे यकीन कर लेते हैं? कुछ चीज़ें होती है जो किसी स्पेसिफिक राज्य के लिए होती है, कुछ चीज़ें होती है जो पूरे देश के लिए होती है। आज हम आपको साइबर क्राइम में ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है एक बहुत बड़ा न्यूडिटी गैंग चल रहा है। क्या है ये न्यूडिटी गैंग, क्या होता है इस गैंग के अंतर्गत और क्यों लोग इसमें बार बार कई बार पैसे देते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे साइबर क्राइम विभाग के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है गीता मैडम। गीता मैडम से हम मिलेंगे। गीता मैम कैसे हैं आप? गीता मैम, ये जो साइबर क्राइम के अंतर्गत आए दिन जो लिंक्स आती है, तो ये लिंक्स एक्चुअल में क्या होती है, क्यों होती है, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे भारत के नागरिकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो लिंक आती है ये बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स ने इसको मतलब वायरल किया है। बहुत सारे लिंक आते हैं जिसमें हमें ऐसा एक आमिष दिखाया जाता है कि आप इस पे क्लिक करो, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा लिंक से, तो इस पे लिंक कीजिए मतलब आपको आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा या आपको अपना ड्यू डेट पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे मतलब जो करंट इवेंट्स है मार्केट में उस अनुसार ये लिंक्स बनाते हैं। अभी ये लिंक्स है क्या? सो दीज लिंक्स आर बेसिकली यूज टू कॉपी द डेटा ऑफ दैट विक्टिम। अगर ये लिंक्स पे आप क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जिसके माध्यम से आपके मोबाइल की पूरी जानकारी वो जो क्रिमिनल है वो आसानी से पा सकता है। अगर आप आपके मोबाइल में बहुत सारे आपके क्रेडेंशियल्स है, आपके कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स है, आपके फ़ोटोज़ है या कोई प्राइवेट जो बेसिकली नाउ मोबाइल इज़ द ऑल इन वन गैजेट नाउ इट इज़, सो आपका पूरा डेटा मतलब पहले जो रहते थे पुलिस के ज़माने में स्पाई करते थे, लोगों को पीछा करते थे, नाउ उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक किया तो इमिडिएटली आपका पूरा डेटा वो जान लेते हैं। उस माध्यम से बहुत सारे नॉट ओनली साइबर क्राइम्स इवन अदर सोशल क्राइम्स आर ऑल्सो हैपनिंग। सो ऐसे अननोन क्लिक्स लिंक्स पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए लिंक क्या है, कौन से नंबर से आए, वेदर इट इज़ वर्चुअल नंबर और ओरिजिनल नंबर, ये सब जानकारी करके, क्योंकि नथिंग इज फ्री इन द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और इन द डिजिटल मार्केट। अगर आपको कोई फ्री देने का आमिष दे रहा है, इवन बहुत सारे ऐप्स आते हैं आजकल हम प्ले स्टोर पर डाउनलोड करते हैं, दीज आर ऐप्स आर हम समझते हैं कि ये फ्री है बट एक्चुअली दे आस्क वेरियस परमिशंस फ्रॉम अस। सो अल्टीमेटली वो आपका डेटा ले रहे हैं एंड यू आर गिविंग परमिशन फॉर देम, और उस डेटे की वजह से फिर आगे के क्राइम्स होते हैं। गीता मैम ने बहुत ही अच्छे से ये कहा है कि नथिंग इज फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और जाने अनजाने में ऐसे लिंक्स पर क्लिक करके हम हमारी प्राइवेसी खो रहे हैं। जब आपके मोबाइल पे कोई लिंक आती है तो पहले तो आप वो लिंक देख लीजिए। एक लिंक होती है HTTP और एक लिंक होती है HTTPS। अगर HTTPS है तो शायद वो लिंक सेफ है, पर HTTP वाली लिंक तो ज़्यादातर सेफ नहीं होती है। हम इस अमीश में, इस लालच में कि हमें कुछ मिल जाएगा, हमारी सारी जानकारी जो है वो जो हमारे जो लुटेरे दोस्त है या दुश्मन है जो कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, जो बैठे हैं लूटने के लिए, उनके साथ जो है हम ये जानकारी शेयर कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं
और वो उसके बाद हमारे अकाउंट से पैसे भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो ऑनलाइन पैसे निकालने के बाद भी बैंक जो है आपको कई सारी फैसिलिटीज देती है, OTPs देती है, और कई बार ATM से पैसे निकालने के बाद भी अगर आपको मैसेज आता है कि अगर आपने पैसे नहीं निकाले तो इस नंबर पे मैसेज करें, या कई बार जो है आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग की है तो भी आपको मैसेज आता है कि अगर ये शॉपिंग आपने नहीं की गई है तो बैंक को रिपोर्ट करें। तो जितनी जल्दी साइबर क्राइम में जो है गुनाह होने के बाद आप रिपोर्ट करते हैं अपनी बैंक के साथ, उतने ज़्यादा चांसेस जो है आपके बन जाते हैं सेफ रहने के। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि न्यूडिटी या न्यूडिटी गैंग या न्यू चैट, ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल फेसबुक के, मैं क्षमा चाहूँगा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है ये जो चैट्स है ये बहुत कॉमन हो गई है। तो इसके माध्यम से कैसे नागरिकों की लूट हो रही है और कैसे हमारे नौजवान जो है इस लूट का शिकार बन रहे हैं, जानते हैं गीता मैडम से। तो बेसिकली सेक्सटॉर्शन क्राइम में अननोन लिंक आ जाती है या अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आ जाती है, मतलब विक्टिम को आ जाती है थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और उस पर अगर क्लिक करता है विक्टिम तो इनिशियली वो लाइक अ हनी ट्रैप, वो अच्छी बातें करते हैं, इफ द विक्टिम इज मेल जो अदर पार्टी है वो इम्पर्सोनेट करती है कि वो फीमेल है, या इफ द विक्टिम इज फीमेल तो अदर पार्टी इज इम्पर्सोनेटिंग एज अ मेल। सो वो पहले चैटिंग बढ़ा देते हैं, देन आप सोशल मीडिया से बाहर आके वो व्हाट्सएप या जो अदर चैटिंग ऐप्स है उनके थ्रू चैटिंग करते हैं पर्सनल, तो विक्टिम को ऐसा लगता है कि ये आदमी है या ये लेडी है, सो और झांसे में आ जाता है। इसमें एक मेल एंड फीमेल दोनों बोथ द टाइप्स ऑफ एक्यूज आर देयर, इनका गैंग रहता है, दे आर ट्रेंड पीपल्स हाउ टू क्या कह सकते हैं हम अट्रैक्ट द अनदर पर्सन, उस टाइप से वो बातें करते हैं और हम उनको प्रोवोक होके उनको प्रोवोक करते हैं द विक्टिम उसके वो जैसे बोल देते हैं वैसे फिर हमारे पिक्चर्स भेजना या फिर वीडियो कॉल्स करना या जिसको हम क्या बोलते हैं मोबाइल सेक्स जो एक टर्म होती है उस टाइप की चैटिंग है उस टाइप की कोई एक्शंस करना। तो विक्टिम जो रहता है वो बिल्कुल ऐसा बेसावजा रहता है, बट जो अक्यूज है वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है और वही चीज़ें वापस उसको भेज देता है, बोल देते हैं कि अभी आप ये मैं वायरल कर दूंगा अदरवाइज यू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। तो विक्टिम जो है ये सोशल उसका स्टेटस देख के घबरा जाता है, पे करता है या फिर कंप्लेंट नहीं करता। तो मैं आह्वान करना चाहती हूँ सभी औरंगाबादी ओवरऑल और नागरिकों से कि ऐसा कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आए या कोई भी ऐसा आपको लिंक आए तो आप उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करें, और अगर आप गलती से उसके झांसे में आ भी गए तो तुरंत आप साइबर पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें, तो हम आपको आगे का जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें जो लीगल एक्शन है वो हम ले सकते हैं। फोन सेक्स, वीडियो सेक्स, हनी ट्रैप, लव जिहाद, ऐसे कई नाम हो सकते हैं इन गुनाहों के। मैं हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा, खास करके हमारे देश के नौजवानों से, कि ऐसे किसी भी झांसे में ना आप आए, क्योंकि ये जो लुटेरे हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनका कोई मज़हब, इनका कोई धर्म नहीं होता है। इन्हें एक ही चीज़ समझती है कि कैसे हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को किसी ना किसी षड्यंत्र के तरफ फंसाया जाए और उनसे पैसे लेते जाए। जैसे अभी गीता मैम ने आपसे कहा कि ये विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, आपका मोबाइल नंबर लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे जो है फ़ोन के ऊपर चैट करते हैं, और जब आप उनके भरोसे में आ जाते हैं तब ये आपके साथ वीडियो चैट भी करते हैं, और वीडियो चैट करने के बाद किस तरह से ये फ़ोन सेक्स की तरफ जाता है, किस तरह से वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, किस तरह से वो आपके इमेजेस कैप्चर करते हैं और फिर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये मार्केट में वायरल हो जाएगा। और हम हमारी सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो सोशल कनेक्ट है मार्केट में, हमारा जो नाम है, उस नाम को ख़राब ना होने देने की वजह से हम उन्हें पैसा देते हैं और यहीं से बढ़ती है उनकी हिम्मत। प्रशासन आपके लिए ही है, पुलिस विभाग आपके लिए ही है,
मगर जब तक नागरिक खुद जो है इसमें लिटरेट ना हो, जब तक नागरिक जो है खुद इन सारी चीज़ों को जानकर इनसे बचेंगे नहीं। देखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। होने के बाद आपकी सहायता के लिए पुलिस प्रशासन तो है ही, मगर होने से पहले इसे कैसे रोका जा सकता है, आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन की बढ़ने की वजह से माँ बाप ने अपने बच्चों के पास फ़ोन तो दे दिए हैं, हमारे बच्चे YouTube के ऊपर वीडियोस भी देखते हैं, मगर क्या हम माँ बाप होने के नाते हमारा बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है ये देखते हैं? हमको ये लगता है कि बच्चा कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसको डिस्टर्ब ना हो इसीलिए पढ़ाई कर रहा है, मगर पढ़ाई के नाम पर क्या अंदर कोई क्राइम हो रहा है ये हम नहीं देखते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सारी चीज़ें हम नागरिकों के हाथ में ही है कि हम इसे कैसे रोके। इसी तरह से इसी से रिलेटेड और जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये जो क्राइम हो रहा है हमारे पास साइबर क्राइम, इस तरह के क्राइम से बचने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।